국민이 아니면 पंजाब देश से आज ये मौका दिया है कि हम सब लोग मिलकर के उसको चिंता व्यक्त कर रहे हैं और बहुत सरलता से बताने की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा 1894 में जो भूमि अधिग्रहण कानून बना उसके बाद से लेकर के अभी तक बहुत सारे छोटे बड़े संशोधन हुए लेकिन पिछली लोकसभा में के दौरान तो बहुत बड़ी बहस चली और आज जो लोकसभा की स्पीकर है सुमित्रा महाजन जी उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उस कमेटी के नेतृत्व में सितंबर 2013 में इसमें बड़ा संशोधन हुआ उसके बहुत सारे पहलुओं पर सहमत भी है कुछ थोड़ा बहुत असहमति भी है लेकिन फिर भी यह माना गया ये संतोषजनक है जो कानून संशोधित कानून बना जिसको लागू होने में बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ 1 जनवरी 2014 को लागू हुआ। मैं आप सबके सामने निवेदन करना चाहता हूं 3-4 चीजें जो उसकी मुख्य थी जो कानून बना 6-7 महीने पहले उसमें था कि 2 फसली जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता अध्यादेश में 2 फसली जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है एकदम सीधा उसके विपरीत है उसमें यह था कि 80% लोगों की सहमति होगी इसमें है समिति को जरूरत ही नहीं है उसमें था कि सोशल असेसमेंट होगा इसमें किसी को कोई जरूरत नहीं है मतलब अधिकार नाम की जो चीज होती है इस देश में लोकतंत्र में पूरी तरह से 100% खत्म करने का इस अध्यादेश में पूरा पूरा प्रावधान किया गया है उसमें कानून में था अगर अधिग्रहण करने वाला अधिकारी ठीक ढंग से ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है इसमें था कार्रवाई कोई जरूरत नहीं है काहे की कार्रवाई हालांकि उसमें अभी जो संशोधन लेके आ रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत प्रावधान कर दिए हैं लेकिन वो भी उस प्रकार के संतोषजनक प्रावधान नहीं है उसमें था कि अगर जमीन का उपयोग नहीं करोगे तो जिसकी जमीन अधिग्रहण की है उसको वापस दी जा सकती है इसमें है ठीक है अधिग्रहण हो गई तो हो गई वापसी जाएगी उद्योग लगेगा तो ठीक है नहीं लगेगा तो ठीक है जमीन जिसने जिसके हित में अधिग्रहण की है उसको चली जाएगी मतलब यह है कि उसमें जो कुछ था उसका ठीक उल्टा इस अध्यादेश में लेकर आए हैं और जिसमें अधिकार नाम की चीज पूरी खत्म होगी इसमें हमारा निवेदन था कि भूमि सुधार के बिना भूमि अधिग्रहण का मतलब क्या है अभी पूरी भूमि के हिसाब किताब की बात छोटे छोटे टुकड़ों में की जा रही भूमि के बहुत सारे जुड़े हुए कानून भी है उसकी बात एक साथ इसमें लेके नहीं आए ये पूरा खेल राजनीतिक दल और राजनेताओं का खेल है जो पूरी संसाधनों पर केवल 1% लोग हैं जिनका धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है देश में भूमि अधिबंदी कानून है लेकिन आज देश के बड़े बड़े पूंजीपति और सभी नेता भूमि अधिबंदी कानून की पूरी धज्जियां उड़ा रहे हैं कई राज्यों में सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक हैं हाईवे पर जाएंगे तो सारी जमीन या तो किसी नेता की होगी या किसी पूंजीपति की होगी किसी भी परंपरागत किसान की जमीन किसी भी हाईवे पर आज मौजूद नहीं है ये कानून आने के बाद में सारी जमीन कुछ ही हाथों में सिमट के रह जाएगी उसके बाद मुझे नहीं पता 50 साल के बाद जो पीढ़ी आएगी उसको क्या देश देखे जाएगा पूरा जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स है और कॉर्पोरेट गवर्नमेंट है ये आज लोकतंत्र और हमारे संविधान के लिए बहुत खतरा उत्पन्न कर रहा है इस सबके ऊपर भारी है संविधान के ऊपर भी हमारे लोकतंत्र के ऊपर भी इसको देखने की जरूरत है इस जकात और जोन में ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कम से कम हम लोग भले सभी लोग किसान नहीं है कि लेकिन इस मुद्दे पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं जिनके बारे में बातचीत कर रहे हैं वो आज भी उतने पढ़े लिखे नहीं उनको इस संदर्भों के बारे में कुछ भी पता नहीं है क्या हो रहा है वो सुबह से शाम तक केवल अपनी आजीविका जुटाने से ही उसको फुर्सत नहीं है आजीविका नहीं जुटा पा रहा है जो चमकदार भारत की बात कर रहे हैं उनको नहीं पता इस देश में आज भी 65% लोग गांव में रहता है और अपनी आजीविका को उसी
फावड़े से मेहनत से जंगल में जमी से पैदा करता, वो शायद उनको नहीं पता। आज जो वहां से विस्थापित होगा वो कैसे उसकी आजीविका चलेगी, उसको तो कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता। 23% लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं वो उसी तबके से आते हैं जो 8% आदिवासी है, 16-17% दलित है और 11% नॉमिनिक ट्राइब है, घुमंतू लोग हैं। ये मिलाकर के 40-45% लोग हैं। उसका सरकारी आंकड़ा कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नीचे पायदान पर है। गरीबी रेखा के क्षेत्र में 80% से ज्यादा लोग इसी तबके से, इसी समुदाय से आते हैं। यही तबका है जिसकी आजीविका केवल जंगल जमीन पर निर्भर है। यही तबका है जिसका स्किल केवल जंगल जमीन पर काम करने का है, कंप्यूटर चलाने का स्किल उनके पास नहीं है। यही वो तबका है जो सरकार भी बनाता है और यही तबका है जिसके ऊपर सरकार बनने के बाद उसकी जड़ें खोदने का काम वही सरकार करती है जिसको वो खुद चुनता है। उसमें इतनी समझ शिक्षा नहीं है कि उसके शिक्षा में भी कितना भी बड़ा पराक्रम किया हो कि अभी भी निचले पायदान पर खड़े हैं। यह वास्तव में पूरी संविधान की का जो बुनियादी ढांचा है उस बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की पहल। अब बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं, न तो इसमें संसदों कोई बहस हो रही है, न जनता के बीच में कोई बहस है, और बिना बहस के वो अध्यादेश लाकर के पूरे जो हमारा ढांचा है, हमारी रोजी रोटी का ढांचा, उसको खत्म करने का, जिसको हम कह रहे थे भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश तो रहा नहीं लेकिन उद्योग प्रधान देश भी नहीं बन पाएगा। ये भारत भारत है, इसको हम अमेरिका से तुलना नहीं कर सकते। भले ही दुनिया के 16% लोग इस देश में रहते हैं लेकिन अमेरिका से तो 1/4 कम लोग हमारे देश में है। और जमीन की बात करें तो अमेरिका के पास हमसे 4 गुना जमीन है। हमारे देश में 8-65% लोग अपनी रोजी रोटी के जमीन पर निर्भर है, अमेरिका में केवल 4% है। जो कहता है कि पूरी दुनिया को गेहूं उगाने की जरूरत नहीं है, गेहूं तो पूरी दुनिया को हम ही खिला देंगे, इसे सरकार को इसकी चिंता नहीं है। तो सरकार ने इस साल भी बफर उत्पादन होने के बाद भी 80,000 टन गेहूं ऑस्ट्रेलिया से आयात करके हमारे फ्लोर मिल को दे दिया। अब किसान का गेहूं जो खेत में पड़ा है उसको कह रहा है जिसको चाहिए ले जाओ, आज बटाई में ले जाओ, उसका जुताई गई, पानी गया, सब कुछ गया, सॉरी टैग हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि किसानों के साथ और हमारी पूरी भूमि आधार अर्थव्यवस्था पर जिस प्रकार से प्रहार हो रहा है, ये बहुत ही आगे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरनाक है, हमारे देश के लिए खतरनाक है। ये पूरी दुनिया के लिए तो मॉडल बनना हो तो भूमि आधार अर्थव्यवस्था जब तक खड़ी नहीं होगी तब तक ये मॉडल दुनिया नहीं बन सकता। क्योंकि आज भी देश में 60-70% लोग तो जमीन पर निर्भर हैं और आगे 2050 तक भी बहुत ज्यादा ताकत लगाएंगे तब भी 55% लोग अपनी आजीविका के अंदर जमीन पर निर्भर रहेंगे। इसके दूसरा कोई विकल्प पूरी अर्थव्यवस्था लगा दें तब भी विकल्प हम काम नहीं कर सकते। इससे साथियों जमीन के अधिकार का मुद्दा तो है ही लेकिन किसानों के अधिकार का मुद्दा वो अपने आप में एक बड़ा बहस का मुद्दा है, उसको देखने की जरूरत है। हमारा किसान इतना लाचार नहीं है लेकिन बेईमानी से किसान को बेईमानी से चलने वाले मार्केट में धकेल दिया जाए और फिर कहा जाए कि तुम्हारे पैर में हम सागर बांध देंगे, अब तुम कुश्ती लड़ो, ये बेईमानी से कोई कुश्ती जीत नहीं जा सकती। जब ऑस्ट्रेलिया का किसान गेहूं पैदा करता है वो हमारे मार्केट में 1400-1200 रुपए क्विंटल गेहूं का बेच रहा है, क्या हमारा किसान नहीं कर सकता क्या? ऐसा नहीं, वहां की सरकारें पीछे दरवाजे से वहां के किसानों को पूरा सपोर्ट कर रही, उसके बाद वहां के सारे उत्पादन को भारत के मार्केट में डाल रही, फिर यहाँ के किसान को कह रहे आइए कंपटीशन करिए, कैसे कंपटीशन करेगा? अब हमारी हालत देखिए, 2007-08 में समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल था, आज 1400 रुपए प्रति क्विंटल आज की रेट में, और मार्केट में 1200-1250 क्विंटल गेहूं बिक रहा है, उसमें 300 रुपए प्रति बैग डीएपी का रेट था, आज डीएपी हो गया 1000 रुपए प्रति बैग हो गया, मैं 3 गुना ज्यादा हो गया, उसमें डीजल 31 रुपए प्रति लीटर था, आज 55 रुपए प्रति लीटर हो गया, क्या की बराबरी है? तो ये इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, गैर बराबरी के मुद्दे, अन्यायपूर्ण मुद्दे हैं, दोनों तरफ से बात करनी पड़ेगी। इसलिए साथियों जब तक भूमि बांटने की बात नहीं करेंगे भूमिहीनों को भूमि नहीं मिलेगी और जो भूमि पर आधारित समुदाय है अपनी आजीविका अपने आप पैदा नहीं करेगा तब तक ये देश आगे नहीं जा पाएगा, समानता के आधार पर नहीं जाएगा,
ये सारी जमीनों को, पूंजीपतियों को और उद्योगपतियों को सौंपने का पूरा एक षड्यंत्र है, इसके खिलाफ पूरे देश में जनता के चलाने की जरूरत है। सबको जय जय। बात राम सिंह परमार जी, आपने बहुत ही केंद्रित होकर अपनी बातें कही और बहुत सारी बहुत जरूरी बातें आपने कही है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ललित बाबर जी, जिनका नाम मैंने पहले ही घोषित किया था, वो ये बोलेंगे। और ललित बाबर जी के बाद विकास नारायण राय यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हरपाल सिंह उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। वो लोग भी तैयार रहेंगे अपने वक्तव्य के लिए। तो मैं अब ललित बाबर जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। शुरू में राजा जी ने कुछ मुद्दे प्रास्ताविक में इस आंदोलन को समग्र आंदोलन कैसे बनाया जाए इसके लिए जो कुछ मुद्दे रखे, उसी को एक मुद्दा था कि किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग हम एक स्ट्रैटेजी के तौर पर किस तरह से इस आंदोलन के साथ जोड़ सकते हैं। और इस आंदोलन इस सेक्शन को किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग को जोड़ने के इसमें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ अंतर विरोध है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि ताकि हम लोग उसको उस बैरिकेड्स को कैसे दूर करके आगे चल सकते हैं। एक तो है कि किसान संगठन ने आज तक जिस तरह से जो एक अपनी लड़ाई लड़ी है, वो उसके साथ मजदूर को कभी साथ में प्रैक्टिकली साथ में लिया होगा, यूज किया होगा, लेकिन किसान मजदूर की बात अभी किसान आंदोलन के इसमें नहीं आए। जिस तरह से अभी भी प्रॉपर्टी राइट का एक लड़ाई है, उस तरह से एक लड़ाई जाती है। और चाहे दाम मांगने की लड़ाई हो या जमीन बचाने की लड़ाई है, तो इसके साथ मजदूर का इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कि मजदूर आंदोलन में भी ऐसा ही हुआ कि वो कभी किसान की बात नहीं किया और मजदूर की बात करते करते उस एक समग्र रूप जो शोषण विरहित समाज का देना चाहिए वो हुआ। आइडियोलॉजिकली भी हम देखें तो गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में लोगों को बांट दिया, और जो दोनों का सपना था कि देश का शोषण विरहित समाज बनाने का, तो वो भी प्रैक्टिकली नहीं हुआ। वो कभी अंबेडकर के अनुयायी शासन में आए, कभी गांधी जी के अनुयायी शासन में आए, लेकिन आज भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि ग्राम स्वराज में कुछ हिस्सा हम इन लोगों को भी जमीन का दिया जाए, कि जिन भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है और उसको घर बनाने के लिए जमीन देना चाहिए। ये कभी ये सारे दोनों विचारधारा के इसमें कभी सोचा नहीं गया और प्रैक्टिकली कभी वो बात नहीं आई। इसलिए देश में आज हजारों गांव ऐसे हैं कि वहाँ पे दलितों को अंतिम संस्कार करने के लिए भी प्रॉब्लम है। कहाँ अंतिम संस्कार करेंगे डेड बॉडी का, ऐसा प्रॉब्लम हजारों गांव में है। मैं पूरे कई राज्यों में घुमा हूँ, प्रैक्टिकली ये बात है। घर बनाने के लिए कहाँ बनाएंगे घर हम, वो दलित बस्ती के बाहर कोई जगह मिलेगी। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस आज भी है कि जिसको हम मिटा नहीं पाए। ये सारे अंतर विरोध है। हम आगरा की बात आपने कही कि मजदूर लोग, ये मैं बोलता हूँ कि उसमें ज़्यादा से दलित और पिछड़े जो वही होंगे कि जो दूसरे की बात कर रहे हैं। एक इतिहास की लड़ाई का मैं पेशवाई की लड़ाई की इस टाइम में पेशवा से बहुत वंचित, बहुत त्रस्त हुए दलित समाज, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। गुना की इस पे कोरेगांव की जो लड़ाई थी, तो उसमें वो तो हो सकता है। हमें स्ट्रैटेजिकली तौर पर इन सबको कैसे एक साथ में जोड़ सकते हैं, ये हमें देखना होगा। आज भी सरकार जिस तरह से भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में जो पेश कर रही है अपनी साइट, तो उसमें हमें गरीबों के लिए घर बनाने हैं, चाय के लिए जमीन, वो रोड बनाने हैं, ये सारा जो लाइंस डालना है वो सारे लोगों के लिए सुविधा है। उसके लिए हम भूमि अधिग्रहण की वो पक्ष सरकार रख रहे हैं, वो नहीं बोल रहे कि हमें बड़े कंपनी को ये जमीन दे रहे हैं। लेकिन इससे क्या है कि सरकार गुमराह कर रही है कि हम गरीब के पक्ष में हैं, और जिससे आज जिनके पास जमीन नहीं है, मजदूर है, दलित है,
शोषित है उनके लिए हम काम कर रहे हैं, इस तरह का एक इसको लेके हम आगे की स्ट्रेटेजी में क्या इसको लेके सारे जो किसान मजदूर ये आंदोलन के लोग एक साथ में आके हम गरीब का भी साथ मजदूर का उसके आंदोलन में का साथ कैसे ले सकते हैं। शहरों में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको घर चाहिए। मैं महाराष्ट्र में मृणाल गोरे के साथ में हमने निवार आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, तो वहाँ पे अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के माध्यम से 6,000 मकान बनवाए वहाँ पे। तो शहरी लोगों की जरूरत है घर की, तो उसको हम किस तरह से देखते हैं, ये सारा अल्टरनेटिव हमें रखना होगा। नहीं तो आज एक जमीन बचाने की लड़ाई तक हम सीमित देखेंगे तो उसके साथ मजदूर या दलित तबका और किस तरह से जुड़ेगा, हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। कम से कम पानी को स्पर्श करने के लिए तो उसको राइट होना चाहिए कि नहीं। गांव में हम जमीन जंगल पानी की बात करते हैं और कई गांव में उसको पानी को स्पर्श करने के लिए दलितों को अभी आज ये नहीं है, तो कैसे लड़ाई में आएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सारी लड़ाई में हम लोग एक साथ में कैसे उसको जोड़ने का प्रैक्टिकली जोड़ने मुद्दे के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। हम अंग्रेज के टाइम में महाराष्ट्र में महार कम्युनिटी को, महार और रामसी कम्युनिटी को, उस जो गांव के लिए काम करते थे वो कुछ जमीन रीग्रैंड करके की, उसको आवार्ड लैंड बोलते हैं। ऐसे ही 5-5.5 लाख एकड़ जमीन में से आज 2.5 लाख एकड़ जमीन वो दूसरे के कब्जे में गई है। जो सरकार कर रहे प्रोजेक्ट कर रहे थे कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र की, शुगर फैक्ट्री, स्पिनिंग मिल, सारे महार वतन जमीन के ऊपर बनी है। तो इस तरह से जो अगर विकास इसमें होगा तो कौन से लड़ाई में वो लोगों को हम शामिल कर सकेंगे ताकि जिसमें उनको न्याय मिलने का चांस नहीं, तो इसके बारे में हमें सोचना। धन्यवाद बहुत बहुत ललित जी आपको। आपने विभिन्न तबकों के बीच जो अंतर विरोध है उनको दूर करते हुए व्यापक एकता की दिशा में कैसे बढ़ा जाए, इस पर अपने विचार रखे। और बहुत जरूरी प्रश्न है जिसको कि तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं और आंदोलनों के द्वारा हल किया जाना जरूरी, उसके बिना यही वो पूंजी है जिससे कि हम इस समस्या का ताला खोल सकते। तो मैं अब विकास नारायण राय, इनको तो सभी लोग जानते हैं, ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं और ये इनका शायद खास परिचय नहीं है। खास परिचय यह है कि इनका सामाजिक सरोकार, साहित्य के साथ भी इनका सरोकार है, तो मैं ज़्यादा परिचय नहीं देते हुए विकास नारायण राय जी से हम अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें और महेंद्र सिंह तैयार रहें। सभी को नमस्कार। मैं तो बोलने की स्थिति में नहीं हूँ इसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये जान करके कि यहाँ पे ऐसी गोष्ठी है तो आपको सुनने के लिए आया था। इसको मैं कह सकता हूँ कि जो मैं तरह तरह के काम में लगा हूँ उसमें कुछ लाभ लेने के लिए, लेकिन मुझे कहा गया कि आप सभी कुछ कह सकते हैं, तो मैं इसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने हरियाणा में काफ़ी समय गुजारा है, 35 साल नौकरी की है, और वहाँ से जुड़े हुए किसान व्यक्तित्व हुए हैं मिस्टर छोटू राम, काफ़ी तक अपने नाम के साथ सर भी लगाते रहे। अगर आप उनको पढ़ेंगे बहुत सी चीज़ें मैं पाता हूँ कि जो आज के दिन बहुत संगत हैं, वो ज़माने में चूँकि वो शासन में गए और उन्होंने उसको जस्टिफाई किया कि क्यों किसान का शासन में आना ज़रूरी है। उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि किसान के बेटे को जो है वो सरकारी नौकरियों में जाना ही चाहिए, तरह तरह की नौकरियों में जाना चाहिए, जिससे कि जो किसानी की समझ है वो प्रशासन में भी आए। प्रशासन प्रशासन में किसानी की हिस्सेदारी, किसानी की समझ की हिस्सेदारी की उन्होंने बात की, और कई चीज़ें जो आज के दिन समस्याएँ हैं किसान के सामने, उनकी जोत की समस्या है, उनकी कर्जे की समस्या है, उनके बिचौलियों की समस्या है, ये तमाम चीज़ें इनके ऊपर उन्होंने बहुत लिखा है और उसको बाकायदा इम्प्लीमेंट भी किया है। तो मैं सिर्फ यहाँ यही सजेशन रखना चाहता हूँ कि उनका अध्ययन किया जाए, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आज के दिन भी अडॉप्ट की जा सकती। शुक्रिया। और
जी के विनम्रता के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी बातों को मतलब तक ही सीमित रखा। तो अब मैं महेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करूँगा और महेंद्र सिंह के बाद हरपाल सिंह तैयार रहेंगे अपनी बात करने के लिए। इस विषय में मैं थोड़ा अपना विचार देना चाहूँगा। वैसे तो मैं यहाँ पे जमीन अधिग्रहण के जो मुद्दे हैं और खासतौर पे जो कानून बना था उसको थोड़ा और गहराई से सीखने के लिए आया था, क्योंकि जब तक मेरे को कानून की वो नहीं थी। लेकिन मैं अपने जो क्षेत्र में जो जिस तरह काम सोच रहे हैं उसमें किस तरह से इसको मैं बता रहा हूँ। हम खासतौर पर किसानों के साथ में उसकी किसानी को बताने का काम कर रहे हैं और वो दो तरीके से है, एक तो उसकी जमीन बचे, दूसरा उसकी खेती खुद की खेती बने। उसको हम कई भाषा में कह भी देते हैं कि भाई वो कोई कहते हैं जैविक खेती, कोई कहते हैं जहर रहित खेती, वो अलग अलग तरीके से उनके नाम हैं। लेकिन कुल मिला के एक किसान को और अपने देश को मजबूत करने के लिए किसान खुद पर निर्भर कैसे रहे और देश के और जो जीव जंतु या जनमानस है उनका पेट कैसे पाले। इस अधिग्रहण के अंदर में खासतौर पे ये भी थोड़ा इन चीज़ों पर विचार बहुत गहराई से होना चाहिए कि जो जमीन अधिग्रहण है वो ठीक है, बहुत ही जो आवश्यकता है एक जनहित के लिए उसके लिए होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि वो खास तौर पर ऐसी जगह हो जो बिल्कुल डेजर्ट है, बिल्कुल एकदम से बंजर है, जहाँ पे किसी तरह का कोई बागवानी भी नहीं है या किसी तरह का और भी कोई खारीपन है या बहुत ही रेतीला क्षेत्र है इस तरह का। क्योंकि हमारा अनुभव है कि जहाँ भी अच्छी पैदावार होती है या वाटर लेवल अच्छा होता है, बेहतर होता है, वहीं पे इसका अधिग्रहण हमने देखा है। हमारे पास में बावल क्षेत्र है, पूरा अधिग्रहण हो चुका है, अभी काफी संघर्ष करके ना और 3600 एकड़ भूमि और अधिग्रहण की जा रही थी, उसको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, आप लोगों का कईयों का साथ भी उसमें लेना पड़ा। लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली है, इसको हमें सभी को ताकत लगा के ना उनको कुछ क्षेत्र ऐसे डिसाइड करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास में वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, तो वैज्ञानिकों ने अपना मिलकर ना इस तरह की जगह देखेगी जहाँ क्योंकि संसाधन तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं लेकिन जो कुदरती चीज़ें हैं जैसे पानी है या इस तरह की चीज़ें हैं वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। तो ऐसी क्लाइमेट में ऐसी जगह पर ये कुछ चीज़ें लगाई जा सकती हैं जो जनहित के अंदर में उपयोगी हो। तो उस पर मेरा एक तो विचार मानना है कि भाई वो उपजाऊता की जमीन गुड़गांव हमारा क्षेत्र है, गुड़गांव के पास में काफ़ी अच्छा मीठा पानी है, वहाँ पहले अधिग्रहण हुआ, हमारा बावल का क्षेत्र था वहाँ अधिग्रहण हुआ, हमारे इधर में झुंझुनू की साइड में इधर में पानी काफ़ी गहरा है, चूरू क्षेत्र है बीकानेर की तरफ में बड़ा गहरा पानी है, वहाँ पानी है ही नहीं, उधर में कोई जाने वाला नहीं है। तो ये वही देखते हैं बिजनेसमैन जहाँ उसको बिजनेस लगता है, उस बिजनेस को इस तरीके से लोगों में मोटिवेट करते हैं कि लोगों का खेती की तरफ से ध्यान हटके और वो दूसरी चमक दमक की तरफ में उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। और इसी तरह की कृषि नीतियाँ भी अपनाई जाती हैं, इतने हालात पैदा कर दिए हैं किसान के सामने कि जो कंपनियों से जो चीज़ें बनती हैं उन चीज़ों के दाम इतने जबरदस्त चल रहे हैं। एक उदाहरण में कईयों से सीखा है कि किसी जमाने में 18 रुपए में एक तोला सर सोना मिलता था और 16 रुपए में एक कुंतल गेहूं मिलता था, और अब उसके कितने जो किसान जो चीज बनाता है उसके दाम कितने घटा दिए हैं कि 1450 रुपए में एक कुंतल गेहूं मिलता है, वो भी इस ये जो कुछ राहत देने के लिए, ये तो 1400 रुपये मानो, और सोना जो है वो 30,000 ही पहुंच गया है, जिससे किसान इतना मजबूर हो जाए कि उसको जमीन छोड़नी पड़े और छोड़ने में उनको
ज्यादा मारामारी ना करनी पड़े। नहीं तो क्या होता है कि अब किसान बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे और उसको बचाने वाले हम जैसे साथी कम रह जाएंगे। तो ये संघर्ष तोड़ने के लिए सरकार की और इनकी पूरी बहुत बड़ी मिली भक्त है। इसको भी बहुत गहराई से कुछ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करके ना उसको बताया जा सकता है कि वो जो कंपनी चीज बनती है वो इतनी महंगी और जो किसान जो बनाता है वो इतनी महंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। अब मैं भारतीय किसान यूनियन के साथी हरपाल सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं और उसके बाद राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के वसवा राय पाटिल जी तैयार रहेंगे। अभी हरपाल जी को आप बोलिए। मैं मोरादाबाद जिले से हूँ और आज भी बीजेपी का हूँ। अभी बात हो रही थी विकास की, बात जो हो रही है मैं आपसे दो उदाहरण दूंगा। सन 2005 में हमारी जनपद में नियम ने एक बैठक बुलाई और कहा कि मुरादाबाद में एक ऐसी जगह करेगा ऐसी जगह रात एक चोर के लिए बैठक बुलाई और बहुत जोर से प्रचार किया गया पूरे जिले में विज्ञापन देकर कि मुरादाबाद जिले में एक्शन बनेगा और कितनी नौकरियां मिलेंगी मुरादाबाद के लोगों को रोजगार। 9 किलोमीटर एरिया के किसानों की जमीन जायदाद दी गई उसको 2005 में